hope you are doing well. So this is another tarot reading for you, and as the title suggests, this reading is about when will you get the success, the journey towards success. Success milegi ki nahi milegi, aur milti hai to kaise milegi. So is ye jo ye aapka question hai, is par ye based tarot reading hai. और ये करंट एनर्जी पर बेस है, जिस डायरेक्शन में आप अपनी लाइफ में अभी जो है जा रहे हो, उस डायरेक्शन से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग होने वाली है कि उस डायरेक्शन में आपको सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती. जिस वे से आप उस डायरेक्शन में हेड कर रहे हो, जिस वे से आप एक्शन ले रहे हो, क्या उस वे से आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी. इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द करंट एनर्जीज, योर करंट एनर्जीज. सो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए 5 पाइल्स तैयार कर देती हूँ. आपने 5 पाइल्स से जो है चूज़ करना है. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5. ये जो पाइल्स हैं ये मंथ बेसिस पे होने वाली. आप इंटुइटिवली भी चूज़ कर सकते हो, और आप मंथ वाइज भी चूज़ कर सकते हो अपने लिए पाइल. सो दिस इज़ गोइंग टू बी पाइल नंबर 1, देन पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5. सो ये आपकी 5 पाइल्स है. जो पाइल नंबर 1 है वो आपकी होगी, दैट इज गोइंग टू बी योर जनवरी, फेब्रुअरी एंड नवंबर. पाइल नंबर 2 इज गोइंग टू बी ऑफ मार्च, अप्रैल. पाइल नंबर 3 इज गोइंग टू बी ऑफ योर मे, जून, दिसंबर. Pile number 4 is going to be your July, August, and pile number 5 is going to be September, October. So, aapne apne birth month se jo hai apni pile choose karni. If you want to choose intuitively, then also you can choose your pile, I mean intuitively. Jo pile aapko apni taraf sabse zyada attract kari, aap us pile se bhi jo ho ye reading dekh sakte ho. But aap apne birth month se select karo, that will be much better. सो ये आपकी 5 पाइल्स हैं. मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, बट उससे पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं. आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्रा कुंडली रीडिंग. एस्ट्रो टैरो रीडिंग में आपके बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्र प्लस टैरो स्प्रेड, और जो आपका नक्षत्रा कुंडली रीडिंग है उसके अंदर आपकी मैरिज कंसल्टेशन, करियर कंसल्टेशन, स्कोप मैचिंग, एंड देर इज वन मोर रीडिंग, द यूनिक नवामशा रीडिंग ऑन माई वेबसाइट, विच इज द D9 चार्ट रीडिंग, विच शोज योर स्पिरिचुअल लाइफ, लाइफ आफ्टर मैरिज एज वेल, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ बेसिकली, इवन चिल्ड्रन, करियर. वाई आई सेड दैट इट्स ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, बिकॉज जो 9th डिविजन है, इट्स और द 9th हाउस, इफ वी सी इट फ्रॉम द मैग्निफाइंग ग्लास, वो एक तरह से D9 नवामशा चार्ट है. मैरिज का जो हाउस होता है वो 7th हाउस होता है, बट हम फिर भी मैरिज को देखने के लिए D9 यूज़ करते हैं, ना कि D7. सप्तामशा नहीं यूज़ करते, नवामशा यूज़ करते हैं, बिकॉज नवामशा रिप्रेजेंट्स अ धार्मा ऑफ योर सोल. What is your soul destined to do in this lifetime and how your life is going to be in the future. And when we marry someone, we are actually entering our spiritual ashram, because we are going to fight with that person. Hamari us person se jo hai disagreements honge, but at the same time we will live together. So it's one of the, marriage is one of the heaviest karma which we pay off. And if we say that spouses are soulmate, twin flame, then it's not like that. The great astrologer K.N. Rao also said that marriage jo hai, ya spouse jo hai, he or she were the biggest enemies in our past life, and they are coming in this lifetime so that we cut off our karmic connections with them. So again, the D9 is also the dharma chart, and D9 Navamsha chart reading or the unique Navamsha reading is based on that. And you can again check the information out on my website, and let's just get started. Main iska screenshot abhi laga deti hu aur milti hu main aapse aapki reading ke time. All right.
हेलो पाइल नंबर वन, सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल बिकॉज यू गॉट अट्रैक्टेड टू दिस पाइल, और यू चोज दिस पाइल बिकॉज योर बर्थडे मंथ इज जनवरी, फेब्रुवरी और नवंबर. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आपको सक्सेस कब मिलती है, सक्सेस कैसे मिलती है, योर जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस. सो वी हैव एट ऑफ कप्स. अमेजिंग. लाइक एक्चुअली यू आर सक्सेसफुल. आई मीन आपको सक्सेस अपनी लाइफ में ईजीली जल्दी मिल जाएगी, यू नो अर्ली ही मिल जाएगी. जो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनको आई वुड से मेहनत करनी पड़ती है और फिर सक्सेस मिलती है, आप उन लोगों में से नहीं हो. यू आर अ पर्सन हु विल ईजीली गेट सक्सेस. एंड द थिंग इज के यहाँ पर जो है, यू जस्ट डोंट गेट सैटिस्फाइड ईजिली. दैट्स द थिंग. मतलब आपके पास सब कुछ होगा, यू विल बी सक्सेसफुल, बट स्टिल यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. स्टिल यू वॉन्ट टू जस्ट, यू नो, यू डोंट रियली अप्रिशिएट वॉट यू हैव ऑल्सो, वॉट यू हैव अचीव्ड. आप अपनी अचीवमेंट से कभी सैटिस्फाइड नहीं होते हो और आप हमेशा अपने कम्फर्ट जोन से आगे जाना चाहते हो और एक कम्फर्ट जोन से बाहर जाके कोई काम करना चाहते हो. जो चीज़ आपने अचीव कर ली, आपको उसकी वैल्यू नहीं है या आप उसको अप्रिशिएट ज़्यादा जो हो नहीं करते हो. एंड दैट बिकम्स, यू नो, एन इशू फॉर यू बिकॉज यू मे इवन प्रोकेस्टिनेट अ लॉट. पाइल नंबर वन, एंड आई फील दैट यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल और आप सक्सेस के रस्ते पर चल चुके हो ऑलरेडी. बट द थिंग इज कि आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो. आप ये कहते हो आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, इतने से मेरा क्या होगा, आई वॉन्ट मोर. तो वो जो सक्सेस की भूख है, या यू नो यू कैन से एनी थिंग, बट यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी एंड यू आर ऑन द पाथ ऑफ दैट सक्सेस एज वेल. बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते और फिर कहते हो मुझे और भी ज़्यादा सक्सेस चाहिए, तो लेट मी मूव ऑन इन माई लाइफ. एंड आई ऑल्सो सी दैट सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोना ट्रैवल, सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोना गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड्स बिकॉज यू फील दैट जहाँ पर आप अभी रहते हो वहाँ पर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, आप इससे बेटर डिजर्व करते हो. लाइफ स्टाइल वाइज भी यू डिजर्व बेटर. सो कहीं ना कहीं यू ऑल्सो, पाइल नंबर वन, सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोना गो टू फॉरन डिस्टेंट लैंड इन योर लाइफ. सो दैट इज समथिंग विच आई सी. यहाँ पर जो है और क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए टैरो की तरफ से, क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर वन के लिए, उनको सक्सेस कब मिलती है, कैसे मिलती है, जर्नी टू सक्सेस, जर्नी टूवर्ड सक्सेस और टू सक्सेस. देन वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. ओके, देयर अगेन, आई मीन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज मूवमेंट. एंड देन वी हैव द सन कार्ड विच इज अ येस कार्ड एज वेल. इट्स अ येस कार्ड, एक और कार्ड. देन वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. सो What I see, what I feel is that pile number one, seven of swords itself says a loss of peace of mind or personal freedom. Take caution and be aware of others' action. A material loss. Make sure you are being honest with yourself. Embarrassing secrets. So I feel that this is also about ke. It's also about ke you have to go through a loss, something like you have to get into downfall to again rise. मतलब आपको जो है rise अपनी life में तब आएगा जब आप downfall में जाओगे. And when again जब वो downfall आ जाएगा उसके बाद फिर से जब आप ऊपर उठोगे, फिर से जो आप start करोगे, then success is going to come. So I really feel that you can have Punarvasu Nakshatra in your chart. Punarvasu Gemini sign में भी होता है और Punarvasu Cancer में भी spill करता है. And Punarvasu is also Nakshatra of bankruptcy when Punarvasu occurs in Cancer sign. If you have any planet in the sign of Cancer, in the Punarvasu Nakshatra, it can happen. जो भी planet उसमें, you can have your sun in the Punarvasu Nakshatra, that can happen. So one can definitely go through bankruptcy with, you know, sun, moon or Atma Karaka in Punarvasu. They can go into a lot of downfall at that point. I mean,
आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई सी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो हो आपके चार्ट में पुनर्वास हो ही हो. आई मीन आई जस्ट आई सेड दैट. बट या यहाँ पर आपके लिए मैसेज तो है ये वाला कि यू हैव टू गो थ्रू दैट पीरियड, यू हैव टू गो थ्रू द टाइम जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में हो गए, और उसके बाद जो हो आप राइज करोगे. ये वाले टाइम पीरियड से जो है आपको यहाँ पर गुजरना ही पड़ेगा. आई मीन यू हैव टू यू नो गो थ्रू दैट डाउनफॉल, यू हैव टू गो थ्रू दैट सिचुएशन जहाँ पर मटीरियल लॉस, यानी कहीं ना कहीं यहाँ मनी वाइज लॉस हो सकता है. एंड आफ्टर दैट यू आर गोना शाइन ब्राइट, यू आर गोना शाइन लाइक द सन, और सन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई सी हेयर. एंड आई फील कि यहाँ पर जो है सन सेस अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट एपिफनीज दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, प्लान दैट वर्क आउट परफेक्टली, ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन. आई मीन द सन कार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि आप प्लान करो इस चीज़ को. इट्स अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट कि आप जो हो ऐसे ही यू नो मन आया तो ये कर लिया, मन आया वो कर लिया. नो, इट्स अबाउट प्लानिंग. यू हैव टू हैव अ प्लान एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड हेयर, बट यू नीड अ प्लान फर्स्ट. एंड यहाँ पर जो है अगेन मेडिटेशन, अगेन स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है. धार्मिक पाथ को फॉलो करना ज़रूरी है. एक ऑनेस्टी के पाथ को फॉलो करना ज़रूरी है. यहाँ पर क्लैरिटी आपके माइंड में होनी ज़रूरी है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना. सो फर्स्ट यू हैव टू प्लान, बट आई फील दैट यू हैव टू गो थ्रू ए टाइम इन योर लाइफ वेयर यू आर गोना बी इन द डाउनफॉल, और उसके बाद आप राइज करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास पुनर्वासु नक्षत्र है या नहीं है. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट द मैसेज इज दैट यू हैव टू बी इन दैट डाउनफॉल, और उसके बाद आप अप जो हो अपलिफ्टेड फील करोगे, और उसके बाद आप राइज करोगे अपनी लाइफ में. एंड आई ऑल्सो सी दैट समहाउ जो ये डाउनफॉल है ये दूसरों के लिए शायद डाउनफॉल ना हो, मे बी सिर्फ आपके लिए हो, बिकॉज यू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ, और मे बी आप जो हो जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, इस वजह से जो है यू आर दैट पर्सन जो यू नो जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होते, और अगर हल्की सी भी कोई चीज़ हो जाती है वो आपको जो है डाउनफॉल महसूस कराने लग जाती है. जो भी हल्की सी सिचुएशन, हल्की सी कोई प्रॉब्लम जो आपके प्लान में नहीं आनी चाहिए थी पर वो हो गई, प्रॉब्लम आ गई, उसको लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा उदास फील करते हो. छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब करती है, आपके पीस ऑफ माइंड को भी डिस्टर्ब करती है, बट दूसरे लोगों के लिए शायद वो एक डाउनफॉल हो ही ना, सिर्फ आप ही वो डाउनफॉल फील करो. And then we have Eight of Swords, which shows illusions, which shows that you are not confident about your own self, and you may feel helpless because of it, and you're afraid to take action and responsibility. And the card says that you have to take responsibility of your life. And I really feel pile number one that there will be illusions where you will feel ki aapne kuch bhi apni life mein achieve nahi kara, but in reality you have achieved so much. बट अगेन ये इल्यूजन आपके माइंड में बना हुआ है कि मैं जो हूँ मैंने कुछ नहीं अचीव करा, वेयर एज यू हैव अचीव्ड अ लॉट, यू हैव अचीव्ड ए लॉट इन योर लाइफ. एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत है यहाँ पर. अपने प्लान पर ही अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा सो दूसरे लोगों को आप पर कॉन्फिडेंस, दूसरे लोगों को आप पर विश्वास कैसे होगा. फर्स्ट यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, हैव टू हैव दैट फेथ एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, देन ओनली अदर पीपल आर गोना बी यू नो आर गोना ट्रस्ट यू एंड विल हैव फेथ इन यू. बट पहले आपको सेल्फ आई मीन पहले आपको कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए अपनी बात पर, अपने प्लान पर. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल नंबर वन. और यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर वन सक्सेस के लिए. आई मीन द सन इज अ यस कार्ड, सो यू विल गेट, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सो डोंट वरी, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. ऑल राइट, सो वी हैव एनिमल गार्डियन विच सेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, सो दैट्स देयर. एक और कार्ड भी हम निकाल लेते हैं, दो और कार्ड निकाल लेते हैं. Alright, so we have the guardian angel. You are not alone. You're not alone on the journey, so don't worry. Then we have fire guardian. Alright, very beautiful cards, I would say. Fire guardian, jo hai, wo aapko guide kar raha hai ki ignite your passion,
अगेन जो फायर है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू पैशन, इट्स ऑल रिलेटेड टू यू नो वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ. जो एक होता है ज़बरदस्ती किसी ने आपको किसी रास्ते लगा दिया, एक है आपके मन ने कहा कि मैंने ये चीज़ करनी है बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. सो यू हैव द यू नो एनर्जी ऑफ पैशन हेयर, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर, वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर करियर, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. एंड दैट फायर, अगेन वी हैव सन एंड हेयर एज वेल वी हैव द अग्नि. सो यू हैव दैट अग्नि, यू हैव दैट पैशन इन साइड यू, जो आप करना, जो भी आपका काम है आप उसके लिए पैशनेट हो. और जो एट ऑफ कप्स है यहाँ पर शो करता है, कप्स रिप्रेजेंट्स इमोशंस, इट रिप्रेजेंट्स योर आई वुड से हैप्पीनेस एज वेल, बिकॉज हैप्पीनेस इज ऑल्सो इमोशन, सैडनेस इज ऑल्सो एन इमोशन. आई मीन यू विल गेट इमोशनली फुलफिल्ड इन योर करियर फॉर श्योर, बट कहीं ना कहीं अपने से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, दैट्स समथिंग विच इज़ देयर. एंड देन वी हैव द गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू. पाइल नंबर वन, इट सेज दैट यू आर डेफिनेटली नॉट अलोन. जो आपका रास्ता है, जो भी आपका पाथ है, इस रास्ते पर आपको जो है बहुत से अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग जरूर जरूर मिलेंगे. लाइक माइंडेड लोग, आप जैसे सोच विचार रखने वाले लोग आपको जरूर मिलेंगे इस रास्ते पर. एंड अगेन, जब हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ होते हैं तो फिर हमें अलग या अजीब सा फील नहीं होता है, हमें पता लगता है कि यस, दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग मी बिकॉज दे आर ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन. सो यहां पर वो अंडरस्टैंडिंग जरूर दिख रही है, आपको अपने जैसा संग जरूर मिलेगा. Then we have the animal guardian which says trust your instincts. I mean it's again, यहाँ पर जो है कई बार बुद्धि जवाब दे जाती है. Mercury is our analytical logical skill and Jupiter represents our divine wisdom. Mercury और Jupiter दोनों retrograde हो सकते हैं, but कभी आपने सुना है moon retrograde हुआ है? It never really happens. Moon never go retrograde. It never go retrograde. And that's the quality of moon. Moon represents our mind. अगर moon retrograde हो गया तो हम earth पे जो life है वो होगी ही नहीं. So moon represents our mind. Moon represents our intuition. So यहाँ पर आपकी instincts, आपकी intuition आपको हमेशा सही guide करेगी. जब भी आप ऐसे illusion वाले situation में होगे, जब भी आप अपनी मुश्किलों से deal करोगे, अपना पहले बात तो logical, analytical skill एक बार बंद कर दो, एक बार बंद कर दो उसको. Don't think about it. Listen to your gut feeling, listen to your instinct, listen to your intuition. Listen to that. Don't really वो जो प्रोज एंड कॉन्स हम करने लग जाते हैं, डोंट रियली डू दैट बिकॉज दैट्स अगेन गोना कन्फ्यूज यू. सो कई बार अपना एनालिटिकल लॉजिकल स्किल भी बंद करना पड़ जाता है टू रियली मेक अ डिसीजन व्हाट योर हार्ट रियली वॉन्ट्स. इफ यू आर कन्फ्यूज अबाउट सर्टन थिंग, इफ यू आर कन्फ्यूज अबाउट ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दिस मीन्स नो. This means no. And if you are very, very enthusiastic, you're feeling passionate about this thing, you cannot wait to do this thing, then it's a yes for that. Then it's a yes. But if you're feeling that, let me see, let me think, then it's a no for that situation, no for that time. So, ye yahan par information hai. यहाँ पर आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर वन. पाइल नंबर वन के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं. All right, so we have Cherry. Live an extraordinary life, which is again a very beautiful card because it's about living an extraordinary life. It's not living an ordinary life. You are a person who will like to live an extraordinary life, who do not really want to have that middle class scenario. Who you want to live lavishly. You want to live your life in a big home, luxurious vehicle. So you have materialistic desires for sure here. And I also feel because we also have the 9 number, and the ninth house or the ninth sign Sagittarius, your moon, your sun, your dharakarka or your atmakarka, soul significator, can be in the, you know, in the sign of Sagittarius, in the nakshatra of purva ashada or uttra ashada, or uttra ashada 10th house Capricorn may be
पिल करता है. सो यू कैन हैव दीज नक्षत्रास इन योर चार्ट एंड इवन इफ यू डोंट हैव दीज नक्षत्रास स्टिल यू विल प्लान, यू विल स्ट्रैटेजाइज बिकॉज दीज नक्षत्रास आर अबाउट विक्ट्री, दीज नक्षत्रास आर अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग, दीज आर ऑल्सो अबाउट राइटिंग, दीज आर ऑल्सो अबाउट विनिंग. सो यहाँ पर भी जो है एंड दीज आर ऑल्सो द नक्षत्र विच रियली वॉन्ट्स टू हैव अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल, वॉन्ट्स टू ट्रैवल इन दी इन बिजनेस क्लास, वॉन्ट्स टू हैव ए बिग होम, वॉन्ट्स टू बी इन अ रिजॉर्ट काइंड ऑफ सिचुएशन. सो यू वॉन्ट टू लिव दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ दैट कैन बी सीन. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग और राइट, नो इट्स नो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू रियली एंजॉय इट एंड इट्स ओके. आई मीन everyone has different interests and you are interested in living in a luxurious life, you want to have that luxurious lifestyle, so you are taking steps here, you are being independent here. Wo independence ki chah hai aapke andar, you want to be independent, you don't want to depend on anyone. And yahan par jo hai you are not really alone in this path, there will be many people who are going to be like you aur aapko guide bhi karenge, like minded log yahan par aapke raste mein aapko milenge, aapke jo success ki direction hai udhar ye jo hai like minded log aapko zarur zarur milenge. And if I have to say that when will this success happen, then you have to go through that downfall as well. You have to go through that downfall and then when you're gonna rise really high and you're gonna shine like the sun. So this is something which I see for you, pile number one. Alright, so this was the reading for you and do let me know in the comment section how this resonated and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye, be positive, stay happy. Hello pile number 2, so this is your reading. You chose this card because you were attracted towards this card, or you chose this pile number 2 because birthday month is March or April. So let's see ki aapko jo hai success kab milti hai, kaise milti hai, journey towards success for you pile number 2. All right, King of Pentacles, which is again a very beautiful card, I would say very very beautiful card, because this card shows that It's gonna be quite easy journey, like you don't have much struggles. जैसा ऐसा हो सकता है कि you feel that you have many struggles in your life, but if you compare those struggles with other people's struggles, तो इतनी ज़्यादा फिर भी struggle नहीं है. You're a person who lives in the moment and you are a person who also advises other people to live in the moment. You are a person who loves to have a luxurious lifestyle as well. Fine wine, fine dining, fine food, right? So that's there. And you are a person who would like to have a big home as well. You are a person who really enjoys nature as well. Jab bhi aapko free time milta, you like to be near nature. You are also a person who can have interest in cooking, baking especially, that can happen. And you may even have love for animals, pets. So that's there. But I see that you are a person who want to live a luxurious life and you want to be the king here. King of Pentacles especially jo hai luxuries pasand bahut zyada karte hain. So definitely it shows that you want to live a luxurious life and it also shows that yes, you are going to be successful as well because it's the king. It's the king. So king jo hai victorious hai tabhi wo aaj is singhasan par baitha hua hai, otherwise usko koi hara ke chala jata, but you are being victorious hai, and definitely it also shows that you will have wars, situations will be there and you will try to overcome those situations, and here you are going to win because you have the seat of power here. So is seat of power par aane ke liye aapne mehnat to kari hai, आपने उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम तो करा है. सो येस यू आर गोना ओवरकम द ऑब्स्टिकल एंड देन यू आर गोना हैव दैट सीट ऑफ पावर, देन यू आर गोना बी सक्सेसफुल. यहाँ पर जो है टेरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए फॉर सक्सेस, कब कैसे सक्सेस जो है मिलती है, जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस फॉर पाइल नंबर 2. So we have the balance card. Again, you have to balance your personal life and professional life. Thoda imbalanced yahan par situation nazar aa rahi hai. Then we have again King of Wands. Again, there is this king, meaning you really want to become that executive or that manager or the CEO, vice president, president. Then we have Three of Swords as well, which shows heartbreak. I really feel that
because you're going to be so much busy in your work that your loved ones, your especially romantic partner, leaves you, because they can say that you are married to your work. You're very workaholic, I would say. Pile number two, you're workaholic, that's there. But when you get chance, of course, you want to enjoy your time with the family, and especially you enjoy getting that lazy Sunday. I cannot really say that you enjoy with the family, friends. You are a person who likes to watch TV, Netflix, Amazon Prime, and just want to chill or maybe read books. But you really enjoy your alone time. Pets ke saath bhi aap enjoy karte ho, but you don't really enjoy the company of humans somehow. You really enjoy your alone time and you like that. That's your comfort zone. And I feel that because you are a person who can be a little introverted, and because of that, if you are in a relationship, that relationship, the person says ki aap un par dhyan nahi dete ho, you're always busy at your work, because kahin na kahin jab aap koi series dekh rahe hote ho, TV dekh rahe hote ho, ya koi book read kar rahe hote ho, and your friends or your loved romantic partner calls you, so you say that you are very busy at your work. You may lie about it, or फिर उस पर्सन को जो है बुरा लग जाए, दैट ब्रेकअप हैपेंस. बट आई सी दैट यू आर वर्कहोलिक हियर. यू वर्क बिकॉज यू आर वेरी मोटिवेटेड. यू इंस्पायर अदर पीपल एज वेल. यू कैन बी अ लिटिल ओवर एम्बिशियस एज वेल. यू वॉन्ट टेक दैट लीडरशिप रोल, दैट लीडरशिप पोजिशन. एंड यू ऑलवेज योर आईज आर ऑन द बिग पिक्चर एज वेल. एंड यू आर नॉट रियली सेंसिटिव टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म, बिकॉज यू आर, I cannot say that you are selfish, but somehow you just enjoy your company. Somehow you just enjoy your own company, and for you, you don't really have a balance between your work life, your personal life, and your family friends life. मतलब तीन aspect जो होते हैं हमारी life के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वैसे तो दो, personal life and professional. But again, because you are a person who likes to be alone, so वो alone time जो है वो भी आपको चाहिए, क्योंकि वो alone time आपके लिए ज़रूरी है. Otherwise, you can go insane. So then we have the family time, friends time, romantic love relationship को जो आप time देते हो वो time, और एक profession का time जिसमें आप काम करते हो. तो यहाँ पर उन तीनों का balance बनाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए pile number two, to get that success. Because success जो है आपको material success, money wise success आ जाएगी, because pentacles is again the energy of finances, money. बहुत अच्छा कार्ड है मनी के लिए, मटेरियल सक्सेस के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्ड है. हैविंग द बिग हाउस, लग्जरियस व्हीकल, बहुत अच्छा कार्ड है ये, एंड इट शोज दैट यू विल हैव इट वन डे. बट यहाँ पर जो है सिर्फ मनी, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें खुश नहीं फील कराती, हमें सक्सेसफुल नहीं फील कराती, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी नीड सोशल इंटरैक्शन नो मैटर वॉट. सो वो जो सोशल इंटरैक्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम में है. यहाँ पर जो है आपको टाइम ज़रूर स्पेंड करने की ज़रूरत है दूसरे इंसानों के साथ, दूसरे ह्यूमंस के साथ. कहीं ना कहीं यू, यस, यू एंजॉय योर टाइम अलोन, एंजॉय विद द पेट्स, सीरीज़ को वॉच, देखना, नेटफ्लिक्स एट्सेट्रा. बट यू रियली नीड दैट बैलेंस ऑफ लाइफ वेयर यू ऑल्सो टॉक टू योर कजन्स और योर फ्रेंड्स. ये ज़रूरी है टू फील सक्सेसफुल. You will have the materialistic success for sure, because you are very passionate about your work, you are very optimistic, and even if other people criticize you, aapko koi farak nahi padta hai. You are not the person who will say that, oh, is person ne mujhe aisa keh diya aur mujhe bahut bura lag raha hai. No, you are not that person who will complain about this thing. So that is something which I see here. Yahan par jo hai aapke liye kya aur messages hai tarot ki taraf se pile number 2. Alright, so we have the winter, take care of your needs, beautiful card. And then we have the message, elder. It says, move beyond ancestral patterns. Again, being unorthodox, innovative. Yes, people can criticize you because of your innovative techniques, because उन्होंने वो पहले कभी देखी नहीं, और change को ज़्यादातर लोग जो है accept नहीं करते हैं. सो आई विल कम टू दिस पार्ट, बट फर्स्ट आई वांट टू कम टू दिस वुल्फ कार्ड. इट सेज टेक केयर ऑफ योर नीड्स. एज आई हैव टोल्ड यू, सक्सेस इज जस्ट नॉट अबाउट मनी, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द मॉनेटरी गेन्स, इट्स आल्सो अबाउट
love, relationship, even marriage, it's all about that as well. So here you really need to take care of your needs, your needs to feel in love. Like the feeling of love is beautiful, and it's really important for you to be in love as well, or to have a companionship. This winter card, this wolf is definitely saying to have that companionship in your life, because when you have a companion, you will somehow will feel happy, or you will feel balance in your life. Because see, jo ye wala balance ka card hai, it is the card which is of Jupiter. Jupiter rules the ninth house of, you know, dharma. So somehow your dharma is also related to relationship and marriage. So this balance card, and Jupiter also shows religious ceremonies and marriage, jo hai wo bhi ek religious ceremony hai, usme bhi religious ceremonies hoti hai, it's a religious sacrament. So kahin na kahin wo relationship, kahin na kahin marriage jo hai wo binding, wo legal binding is important, and somehow you will also feel this but later in your life, that yes, relationship are so important or marriage is so important. I mean, again, हर किसी के लिए मैरिज जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा आप सभी का, बट हियर इन दिस पाइल नंबर टू आई वुड से कि आपके लिए मैसेज ये है कि लेटर इन लाइफ यू आर गोना वैल्यू कंपेनियनशिप, यू आर गोना वैल्यू फ्रेंड्स, यू आर गोना वैल्यू फैमिली मेंबर्स एज वेल, एंड वैल्यू योर रोमांटिक रिलेशनशिप. अर्ली ऑन इन लाइफ यू आर बीइंग दिस पर्सन who people can call, I mean people can call you a jerk because you are not that emotional, or you don't show your emotions or something, you just like to keep things to yourself, and somehow your, you know, later in life your need will be, you will require companionship, a family, you will want that right now, or I would say early 20s later, or I should say mid 30s tak jo hai, you may not really feel that you need a companionship, but after that you will feel that yes, I want someone in my life. And then we have the elder card, which says move beyond your ancestral patterns. And here we have the criticism, we have don't be sensitive to criticism. So it shows that of course you are going to be criticized about your way of thinking, about your new ideas, about your unorthodox ways of doing things. You will be criticized about that from your authorities or your co-workers. That can happen, but don't stop, because your innovative ideas are very original, they are very original. So do those things, that will make you go towards success for sure. Here, white witch, be the light. I mean, jab jahan par light hoti hai, sun jo hai ultimate source of energy hai, right? Wo sun hame kitni light deta hai, right? Moon ko bhi sun light deta hai. तो यहाँ पर जो है जब लाइट होती है तो अंधेरा नहीं होता है, अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते हैं, राइट? अगर उजाला है, अगर लाइट है, तो हम इजीली देख पाते हैं चीज़ों को. सेम गोज हेयर विद द वाइट विच एज वेल, विच इज गिविंग यू द मैसेज कि आपको दूसरों की लाइट बनना है, आपको दूसरों के अंदर क्लैरिटी लेकर आनी है. जहाँ पर भी कोई पर्सन कन्फ्यूज होता है, यू कैन बिकम अ ग्रेट टीचर, ग्रेट प्रोफेसर एज वेल विद दिस वाइट विच, यू कैन. बिकॉज जो एक गुरु है, एक टीचर प्रोफेसर है, वो भी लाइट प्रोवाइड करते हैं, वो नॉलेज की लाइट प्रोवाइड करते हैं. हेयर एज वेल, बिकॉज दिस इज अ जुपिटर कार्ड एंड वी हैव द सन हेयर विच इज अगेन शाइनिंग, इट्स गिविंग लाइट हेयर. तो अब दूसरों के अंदर क्लैरिटी लेकर आ रहे, सो यू कैन बिकम अ ग्रेट टीचर, अ ग्रेट एडवाइजर, काउंसलर, अ मोटिवेटर एज वेल. सो ये आपके लिए मैसेज है. यहाँ पर और इंफॉर्मेशन अबाउट योर सक्सेस, वेन विल यू गेट सक्सेस, when will you get, okay, यहाँ पर जो है आई थिंक तीन कार्ड निकल आए हैं. आई जस्ट वॉन्टेड टू पुल वन कार्ड, बट आपके लिए तीन मैसेजेस आ गए हैं यहाँ पर. फर्स्ट इज जेड विच सेज टेक एक्शन, द सेकेंड इज द पीच विच सेज इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ, देन वी हैव स्ट्रेंथन योर बॉडी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो जेड कार्ड है, इट इज़ सेइंग कि इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन. अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे एक काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देन दिस कार्ड इज सेइंग डू इट, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन अबाउट इट. और जो ये पीच कार्ड है, इट इज़ सेइंग दैट इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ. आई मीन इट कैन हैपन दैट यू आर ऑलवेज बिजी विद योर वर्क, और इट कैन हैपन दैट यू आर ऑलवेज लर्निंग समथिंग. यू हैव टू बी अ लिटल soft on yourself, I mean calm down your horses.
calm down, because your energy right now when you're listening to this reading, you are quite struggling with the balance, you're not balanced in your personal and professional life. So there is the need of balance, and you really need to calm down. You really, really need to calm down here. You really need to inhale a breath of life for sure here, because bahut zyada hi jo ho aap, yes, you are over ambitious, but यहाँ पर जो है थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकालने की ज़रूरत है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी जो है बैठने की, बातचीत करने की आपको ज़रूरत है. अगेन वी हैव द नंबर 19. इफ वी ऐड 9 एंड 1, इट्स द नंबर 10. 10th हाउस रिप्रेजेंट्स आर करियर, आर प्रोफेशन. सो यू आर टू फोकस्ड अबाउट योर करियर, विच इज़ अगेन गुड, बट हर चीज़ एक एक जो है अमाउंट में अच्छी लगती है. हर चीज़ जो है, इवन यू बीइंग फोकस्ड, इट्स अ गुड थिंग. But if you're not really living your life, that's not a good thing. So you have to balance things out here. And we have the bronze, strengthen your body. So I feel that you can even go through some health issues right now at this moment when you are watching this reading. Maybe you're going through some health issues, some things related to health only. Kuch cheeze jo hai, maybe some breathing issue, cold or something. You are going through it. So the, of course, the guidance is to strengthen your body, to take care of your body. And it's winter. I mean, winter card bhi hai aur winter chal bhi raha hai, especially in India. I mean, I live in Chandigarh, so yahan par bahut thand ho chuki hai already. I just want to snuggle in my blanket only every morning. It's really hard for me to wake up. So here as well, you need to strengthen your body in terms of body heat. Maybe aapki cold taaseer hai, thandi taaseer hai, to aapko garam cheeze like tulsi, neem or something, you have to take care of your body here, because health issues can occur because of winter, because of cold. तो उस चीज़ का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अच्छे से कपड़े पहनने की ज़रूरत है. दिस इज़ नॉट द टाइम टू रेडी, मतलब फैशन करो, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दैट. वियर गुड क्लोथ्स, वियर क्लोथ्स जो कि आपके जो इन्वायरमेंट है उसको सूट कर रहा है. इवन इफ़ दैट पीस ऑफ क्लोथिंग इज़ नॉट वेरी वेरी अट्रैक्टिव, इट्स नॉट वेरी वेरी ब्यूटिफुल, स्टिल वियर क्लोथ्स जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को सूट करते हैं. That's important for you, because some health issue can happen here because we have the bronze card. So this is something which is coming for you, pile number 2. And do let me know in the comment section how it resonated with you. And success is going to come towards you when, I think success, aap jis path par ho, already wahan par success hai. Already wahan par success hai. You just need to balance things out in your life. And you may even go through a breakup before getting that success you want. Before getting that success you want. You may go through that breakup. There will be that pinch in heart. There will be. And then you suddenly rose in your life. Sudden, wo rise aaya aapke life mein financially, materialistically wo rise aaya. But first, you may have to go through a breakup to get that rise. So that can happen. And yes, take care of yourself. That's the message here. All right, pile number 2, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye bhi positive, stay happy. Hello, pile number 3, so this is your reading. You chose this card because you got attracted towards it, or your birth month, or I should say birthday month, is it can be May, it can be June, or it can be December. So aapko jo hai success kab milti hai, kaise milti hai, or journey towards your success. So यहाँ पर ओके, सिक्स ऑफ कप्स, आई मीन अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, विच आई मीन इट शोज नॉलेज एज वेल, बिकॉज वी हैव लोटस हियर, और लोटस जो है इट इज़ द सिम्बॉलिज्म ऑफ नॉलेज, इट्स द सिम्बॉलिज्म ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज बेसिकली. तभी ब्रह्मा जो है लोटस पर दिखाए हुए हैं, वो बैठे होते हैं लोटस पे. एंड ब्रह्मा इज ऑल्सो, आई मीन इट्स अ डिटी विच शोज अगेन नॉलेज. ब्रह्मा इज ऑल्सो द creator. Brahma is also the creator. So I really feel that you will create something. I mean, you can open your own business here, I see. And you also take help from your friends in opening that business up. You're taking help from your friends or the people you know.
The people who are already in that field, you are taking help, you're taking information, knowledge from them. You may even work as a apprentice in some company, in some you can say a place. कैसे business में जो हो आप apprentice बन रहे हो, जो आप खुद वो business शुरू करना चाहते हो. And I feel that you are gaining more information, you are gaining more knowledge about it right now. And you want to start your own business here, I see. And you are attaining knowledge here from that company. कि कैसे इस company को या कैसे इस चीज़ को करते हैं, संभालें, ये सब कुछ जो है आप सीख रहे हो अभी. और गेनिंग नॉलेज अबाउट दैट एंड यू रियली वॉन्ट टू ओपन योर ओन बिजनेस. दैट आई कैन सी एंड आई फील दैट योर फ्रेंड्स आर गोना हेल्प यू और द पीपल, योर कलीग्स और पीपल हु नो यू आर गोना हेल्प यू इन द बिजनेस. दैट आई कैन सी. यहाँ पर जो है आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है टैरो की तरफ से, पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है टैरो की तरफ से. सो वी हैव द अवेकनिंग कार्ड. ऑल राइट, इट्स लाइक द यू नो हैंग्ड मैन. इस डेक में जो है अवेकनिंग कार्ड इज द, और आई शुड से जो हैंग्ड मैन है उसको अवेकनिंग का नाम दिया है. एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स विच डेफिनेटली शोज ऑब्स्टिकल्स, एनिमीज, कॉम्पिटिशन. एंड वी हैव द 8 of wands which says that you are going to be overwhelmed by the response you are getting, and that's beautiful, that's amazing. Matlab business mein you are going to feel overwhelmed by the response you get from your clients, people. So I feel first of all awakening card, right, is showing that you have to make a decision. There are two choices in your life, two big choices, because yahan par bhi do path hame nazar aa rahe hain, दो रास्ते हमें, दो डायरेक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं. एंड आई फील दैट हेयर यू हैव टू यूज़ योर इंटुएशन. एंड आई फील यू आर गोना चूज ए पाथ, यू आर गोना चूज ए करियर विच इज़ गोना बी वेरी अनऑर्थोडॉक्स, विच इज़ गोना बी अवे फ्रॉम द नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, बिलीफ सिस्टम ऑफ सोसाइटी. यू आर गोना ब्रेक द बिलीफ सिस्टम ऑफ सोसाइटी, यू आर गोना डू समथिंग विच इज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स, एंड यू आर गोना चूज समथिंग विच इज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स, विच आई फील कि आपकी फैमिली में कभी किसी ने वो चीज़ नहीं करी, वैसी चीज़ आप चूज कर रहे हो. और जो आपका वे है उस चीज़ को करने का, वे है उस बिजनेस को करने का, वो भी बहुत डिफरेंट है दूसरे लोगों से. दैट्स वाई पीपल आर गोना कम टूवर्ड्स यू एंड वुड वॉन्ट टू वर्क इन योर कंपनी और वुड वॉन्ट योर सर्विसेज, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ट शोज कि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत अच्छी, जो कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर बनाएंगी, फाइनेंशियली आप प्रॉस्पर करोगे. बट यू आर गोना बी ओवरवेल्म्ड बाय दीज अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत सारे यहाँ पर आपकी तरफ काम आता हुआ नजर आ रहा है. एंड इट ऑल्सो सेज टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज्ड बाय मेनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रैपिड चेंजेस, द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस, ट्रैवल. सो अगेन you can travel because of your business, and as I've told you in the six of cups, maybe you are a person who would like to do business, you're not a person who would like to do job, because job mein you may feel ki itni growth nahi hai, itna jitna kaam main kar raha hu utna mujhe wo money nahi dete, utna paycheck nahi hai. So you may feel this and you would want to open your own business. That I see. ये जो 7 of wands है, it is saying stand up for yourself and your beliefs, have confidence, challenge those in power, but also choose your battles wisely. So definitely with the 7 of wands as well, there are going to be challenges for sure, there are going to be obstacles for sure, people are going to criticize you for sure because of your belief system. But you have to choose your battles wisely. हर किसी पर चिल्लाना, झगड़ा करना, ये 7 of wands नहीं कह रहे हैं. कई चीज़ों को लेट गो करना भी ज़रूरी है, बट वेन यू सी दैट यू हैव टू टेक अ स्टैंड हेयर, यू हैव टू टेक अ स्टैंड देन. एंड डेफिनेटली हैव कॉन्फिडेंस इन वॉट एवर यू बिलीव इन, वॉट एवर योर आइडियाज आर, हैव कॉन्फिडेंस, हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ दैट येस वट एवर आई एम डूइंग, आई एम थिंकिंग इट्स राइट एंड इट इज़ गोना हेल्प अदर पीपल एज वेल, एंड ऑफकोर्स मुझे वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी देगा. हैव फेथ, हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ एंड ट्रस्ट ऑन योर आइडियाज एज वेल. यहाँ पर जो है आपके लिए एंसेस्टर्स डेक से क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए, फॉर दैट सक्सेस. ऑल राइट, सो वी हैव वॉरियर.
वी हैव द वॉरियर, एंड अगेन वॉरियर क्या करता है, वो लड़ता है, वो फियरलेस होता है, लाइक बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, और वो नेगोशिएट नहीं करता है. वॉरियर सोल्जर वो नेगोशिएट नहीं करता है, वो सीधा जो है कॉन्कर करता है. देन वी हैव स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, शेड ओल्ड बिलीफ सिस्टम. स्पाइरल नंबर थ्री, शेड योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम, दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड देन वी हैव द हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स. आई मीन ये जो वॉरियर है या हंटर है, ये जो कार्ड्स हैं, दीज आर द कार्ड्स which definitely shows that you have the competitive spirit here. You're very competitive. You are very headstrong here. Your belief system, when you believe in something, pile number three, you believe in that hardcore. You are a person jo dusra chahe jitna marzi keh de, chahe ऊपर से भगवान ही आके ये कह दे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, यू आर गोना गिव रीजंस टू गॉड एज वेल, नहीं मैं ऐसा इस वजह से करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा रीजन है. यू आर वेरी स्ट्रांग ऑन योर बिलीफ सिस्टम, वट एवर योर बिलीफ सिस्टम इज, वट एवर यू थिंक इज राइट. और अगर दूसरा पर्सन उसको रॉन्ग कहता है और आपको मैन्यूपुलेट करने की कोशिश करता है, सडनली दैट एंगर ऑल्सो कम्स आउट, दैट फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो कम्स आउट, एंड यू टेल देम दैट क्यों मैं ऐसा बिलीव करता हूँ या करता हूँ. सो यू आर ए पर्सन हु स्टैंड्स, यू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव, यू आर अ वेरी फोकस्ड पर्सन. अगर आपका ये आपको गोल नज़र आ रहा है तो आप इधर उधर नहीं देखोगे, आप सीधा गोल की तरफ ध्यान दोगे, उसको कैसे अचीव करा जाए. जो मेरे रास्ते में आ रहा है, आई विल हंट देम डाउन, आई एम गोना स्टैंड फॉर माई बिलीफ सिस्टम. एंड आप जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम या ओल्ड चीज़ों पर जो हो, पुरानी चीज़ें, पुराने सोच विचार को इतना पसंद नहीं करते हो, आप अपनी चलाना चाहते हो, आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंस है ऑफकोर्स, और उन लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है वो आपकी विजडम है, तो आप इस उस विजडम पर काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए हैं. इट कैन इवन हैपन दैट यू हैव जुपिटर मार्स एंड मून कंजंक्शन इन योर चार्ट. मून रिप्रेजेंट्स द माइंड, मार्स रिप्रेजेंट दैट वॉरियर और हंटर मेंटेलिटी, दैट सोल्जर मेंटेलिटी. द सोल्जर विल डाई फॉर द कॉज बट विल नेवर नेगोशिएट, सो दैट्स द मार्सेशियन मेंटेलिटी. एंड देन वी हैव जुपिटर. जुपिटर इज अ डिवाइन विजडम, नॉलेज. सम हाउ योर नॉलेज, You are very much, you have a strong belief system here for sure, because moon represents mind, emotions, and your, you know, Atma Karaka can be Mars as well. जो मैंने astrological चीज़ें बताई है, it can happen कि आपके chart में हो, और अगर नहीं भी है, then the message for you or the information which is coming from tarot is that you are very hardcore on your belief system, really very hardcore on your belief system. You don't want to change here. But yes, you want to change the old belief system of other people. You want to start something new, something unorthodox that can be seen. And I also see ki ye jo hai, is person ke haath mein bow hai. Aur bow aur arrow jo hai, arrow ek, yani ki teer jo hai, yahan par teer nahi nazar aa raha. Meaning aap teer pehle hi maar chuke ho. Aur I should say ki aap teer jo hai ek direction mein already bhej chuke ho. Already. You just have a bow now, which gives direction or which gives strength to your arrow, to your purpose. So I feel that aap us raste pe already chal chuke ho. You're already there. Aap us raste pe already chal chuke ho. Forward movement kar rahe ho. Piche mudke nahi dekh rahe ho. So this is something which I see. Aapke liye yahan par pile number 3 aur kya message hai? Alright, so we have the red, free yourself from pain. And I really feel that this is also about ke जो दूसरे लोग कह रहे हैं, मे बी दे क्रिटिसाइज यू, आपको हर टाइम जो है उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब वो आप उनको जवाब देने लगते हो, कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ आपके अंदर वो चीज़ जल रही होती है, हर्ट महसूस होती है. सो अगेन मेंटली यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप हर किसी से नहीं लड़ सकते हो. दैट्स द रियलिटी. यू कैन नॉट, लाइक पीपल से दैट टैरो और पीपल से दैट एस्ट्रोलॉजी डज नॉट वर्क. इट डज नॉट वर्क. दे हैवंट इवन ट्राइड दैट, बट स्टिल दे आर सेइंग दिस थिंग. नो, इट वर्क्स. अब मैं हर किसी को अगर जवाब देने लग जाऊँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पहली बात तो चिढ़ है,
और दूसरा मेरे अंदर ये है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आई बिलीव इट्स माय बिलीव सिस्टम, नन ऑफ योर कंसर्न. इफ आई स्टार्ट टू डू दिस अगेन, मैं अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लूंगी, मैं डाउनफॉल में आ जाऊंगी, मेरी एनर्जी चलेगी तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी, मैं और रिसर्च कर ही नहीं पाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी. सो हेयर एज वेल यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी. वट एवर टास्क यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई पर्सन आपके बिलीफ सिस्टम को गलत कहता है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर आप उसे पलट कर जवाब दो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे. जो एनर्जी आप अपने काम में लगा सकते थे वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. सो मेक श्योर कि आप अपनी बैटल्स वाइजली चूज कर रहे हो. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स अ मैसेज फॉर यू. All right, pile number 3. So this was the reading for you, and do let me know in the comment section how it resonated with you, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 4. So this is your reading. You chose this card because you got attracted towards this card, or you chose this pile because your birthday month is July or August. So let's just get started. आपको जो है सक्सेस कब मिलती है, कैसे मिलती है, और आप जो हो, आई मीन योर जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस. सो वी हैव द स्टार कार्ड. ओके, अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. स्टार कार्ड सेज दैट, आई मीन द स्टार इज अबाउट आपकी विशेज और डिजायर्स. जो आप विश करते हो, जो आप डिजायर करते हो, जैसे ये कैट है और ये फिश है, शी रियली वॉन्ट्स दैट फिश. She really wants that. So I feel that जो भी आपकी wishes and desires है, you are very hardcore in it. You want that thing really badly. You really want, you desire that. And I feel कि जो आपकी power of desire है, जो भी आपकी desires है, आप उसके लिए efforts भी करते हो. And I also feel that you really need to implement your ideas. I feel that you are not really implementing the ideas. You are just looking towards the desires, the opportunity, the things you want in your life. You really want that and you are looking towards it, and that's it. कहीं ना कहीं action orientation कम नज़र आ रही है. कहीं ना कहीं यहाँ पर action step लेने की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए. ऐसे ही वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी. You have to take action for that. You have to do certain things in practicality to attain it, to achieve it. So कहीं ना कहीं यहाँ पर practicality की बात है, आपको और practical होने की ज़रूरत है. And अपने जो action आपके मन में है, जो आप action लेना चाहते हो वो मन में है, उसको सच में करने की अब ज़रूरत है. उसको अब वक्त आ गया. ये जो star card है, it is showing that it's a time for transformation, it's a time for change, because we also have the number 17, 7. If we add 1 and 7, it's the number 8. 8th house represents transformation and change. Ab jo waqt hai, it's just not about planning. It's not really about strategizing. This is the time to take action for you, pile number 4. This is not the time to now think dream about things. This is now, it's the time for you to actually make your dreams come true by taking steps towards that. Because jo success hai, it's not like one time thing. Of course it can be for some people, but for most of us we really need to take step towards it. We have to move towards it. एक हमारे सामने या हमारे पास वो ऐसे opportunity नहीं आती, हमें उसके लिए effort करना पड़ता है, तब वो opportunity आती है. तो यहाँ पर उस effort की कमी नजर आ रही है, यहाँ पर efforts करने की आपको ज़रूरत है. Pile number 4, action लेने की ज़रूरत है आपके लिए. Pile number 4, और क्या message है tarot की तरफ से, क्या आपको tarot गाइड करना चाहते हैं. सो वी हैव द व्हील कार्ड. व्हील अगेन शोज की एंड ऑफ समथिंग एंड स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू. देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ट्स विच शोज पैशन अग्रेशन, विच इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स नाउ, बिकॉज जो वॉन्ट्स की एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट एक्शन. वी हैव नाइन ऑफ कप्स एज वेल. वी हैव द नाइन ऑफ कप्स. सो नाइन ऑफ कप्स ऑल्सो शोज that your wishes are coming true. I mean, it also says that wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune, faith in the universe that all will be well. Again, as I've told you, the star card shows your wishes and desires. You really desire something. You wish ki ye cheez jo hai sach mein badal jaye. Then we have the wheel card, which says a fresh new start or the end of delays, sudden or unexpected progress, a very positive change in your life, travel or in new vehicle. Again, as I've told you, the wheel is about it is giving you something. It is like giving you something and you have to receive it now. Receive karne ke liye bhi power chahiye. So you, but definitely you're getting something. And again,
unexpected sudden progress is happening. It's a time for you to take action as well, because we have the wands energy here. You're passionate, you're confident, you're charismatic, you're restless as well. Events requiring immediate action, trust your instincts, stay focused, a passionate relationship. So you are very passionate. You're very passionate about your work. And I also feel people can say that you're married to your work, or you can say that you're married to your work. I really feel that this is about the first step. This is about the beginning. Somehow it can happen ki aap apne upar trust nahi rakh rahe. You feel ke main ye nahi kar paungi. Aur kahin na kahin jo first step hota hai, wo hi bas thoda mushkil hota hai. Wo hi thoda mushkil hota hai, first step. But baad mein jo second, third step itne mushkil nahi lagte. Just the first step is, you know, the step जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, but second, third, fourth नहीं है मुश्किल वो step. So here it's all about कि आप जो हो अपने ऊपर trust, अपने ऊपर confidence रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो. Just take the first step और आप देखोगे कि आप जो हो बहुत तेज़ी से अपनी life में आगे बढ़ने लगे, because you are very passionate about certain thing in your life, something in your life, and you're confident about it. And we have the Nine of Cups, which says that your wishes and desires are gonna get fulfilled. And I also feel that some messages are also gonna come in your dreams, because hum aise hi keh dete ki are ye to sapna hi tha, forget about it. No, but somehow you can get message from your dream itself. So यहाँ पर जो है आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करो. सो जो भी आपको ड्रीम, जो भी आपको सपना आता है, उसको भी जो है याद रखो, बिकॉज इट कैन इवन गाइड यू टू सर्टन थिंग्स. द एंजल्स, द स्पिरिट्स विल गाइड यू थ्रू योर ड्रीम्स एज वेल, एंड हियर योर ड्रीम्स आर कमिंग इन टू अ रियलिटी. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई सी. यहाँ पर जो है एनसेस्टर्स डेक जो है, इससे आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 4 के लिए. Alright, so we have the Air Guardian. Okay, shift your perspective. And then we have the Broken Arrow, and then we have Wise One. Broken Arrow says embrace the energy of peace, and Wise One says grow within your current situation. So again, the thing is, shift your perspective. जो आपका first step है, कहीं ना कहीं आप confident नहीं हो, as I've told you here as well, कि maybe you're not confident about your, you know, about the business you want to do, or certain things in your life, you're not very confident about those things. तो वहाँ से अपना perspective, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है. आपको और optimism की ज़रूरत है यहाँ पर. और यहाँ पर broken arrow is also saying embrace the energy of peace. कहीं ना कहीं मन हलचल में है, मन जो है विश्वास नहीं कर रहा कि ये वो कर लेगा. कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको इनसिक्योरिटी है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. इन रियलिटी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी विशेज और डिजायर्स पूरी हो रही है, पर आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो. ऐसे ही नहीं पूरी हो रही, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो. कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आ रहा है. Wise One says grow within your current situation. यहाँ पर जो है, again we also have the owl, which is a symbolism of your knowledge as well. And you can also be a nocturnal person. आप रात को ज़्यादा energetic feel करते हो और दिन में नहीं इतना energetic feel करते हो. And we have the crow, which is again, it represents pitris, ancestors. So ancestors की यहाँ पर blessings भी आपकी तरफ है. And somehow it's about के, because we have the wise one, it's also about knowledge. So gain more knowledge, gain more information about the things you want to achieve in your life. Uske liye aur knowledge, uske liye aur information lene ki zarurat hai. Jitni aapke paas information, jitni aapke paas knowledge aayegi, aap utna confident yahan par feel karoge. Pile number 4 yahan par jo hai aapke liye aur kya message hai tarot ke through, aur kya message hai. Alright, so we have grey. Learn to scan your body. And again, it's about learning. It's about you are learning something. And it says learn to scan your body. It's also about ki, because see, हर time जो है हम एक जैसे energetic नहीं रहते. हमें भी जो है उस rest, rejuvenation की ज़रूरत होती है. So listen to your body as well. अपने साथ ज़बरदस्ती मत करो. अपने साथ ज़बरदस्ती मत करो. जितना होता है उतना करो. और कहीं ना कहीं
Because we have the Knight of Wands, because you are gonna take action, you are gonna be very passionate about certain things in your life, you're gonna feel restless agar wo apne kaam nahi complete kara. And I feel this is a business because job में कोई restless नहीं होता है ऐसे. Of course, अगर deadline है तो वो restless feel कर सकता है. अगर deadline से अगर काम complete नहीं और deadline अभी है, then a person can feel restless. But जब किसी का अपना career, अपना business होता है, और business ये तो है नहीं कि 9 to 5 करके ख़त्म, no, ये तो 24 hours चलता है. So कहीं ना कहीं बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है यहाँ पर. वो रेस्टलेसनेस और वो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करता है, इमीडिएट एक्शन आपको लेना पड़ता है इस करियर में, इस जॉब में, इस बिजनेस में, जिसकी वजह से जब अगर आप नहीं ले पाते हो इमीडिएट एक्शन, देन यू कैन फील रेस्टलेस. बट यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन की भी बात है. यहाँ पर जो है आपको अपनी बॉडी की भी सुननी है. अगर बॉडी रेस्ट मांगती है तो उसको रेस्ट भी करवाना ज़रूरी है आपके लिए. बिकॉज अगेन यू हैव टू रन इन द रेस ऑफ लाइफ नेक्स्ट ईयर. आई फील बिकॉज वी हैव द हॉर्स एंड वी हैव अ फीमेल हियर, आई फील दैट यू कैन हैव द नक्षत्र ऑफ सतभिषाक इन योर चार्ट विच अकर्स इन द एक्वेरियस साइन, विच अकर्स इन द एक्वेरियस साइन. एंड इवन इफ वी एड 9 and 2, इट इज़ द 11th हाउस और द 11th साइन एक्वेरियस, उसके अंदर वी अगेन हैव द नक्षत्र ऑफ सतभिषाक. So, Satabhishak, you can, if you are a Satabhishak, your moon, your sun, your Atma Karaka can be in Satabhishak Nakshatra. You can be a person who really sleep to get energy. You don't really sleep for pleasure. You sleep so that you get energy and again you can run in the race of life. But if you don't have Satabhishak Nakshatra, that's completely okay. I mean, it's a general reading. But the energy is that you are a nocturnal person and here you want to run in the race of life. But jo first step hai wo hi bas aapke liye thoda mushkil hai. Second, third, fourth aur next steps aapke liye bahut easy ho jane wale hai aur aap kafi busy rahoge apni life mein to get that success as well. But you have to listen to the body, that's really important. Jab body ko rest chahiye to use rest karwana aapki responsibility hai. Alright, so this was the information coming for you, pile number 4. And do let me know in the comment section how it resonated. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 5. So this is your reading. You chose this card because you got attracted towards this card, or you chose this pile because your birth month, your birthday month is September or October. So aap jo ho, aapko success kab milti hai, kaise milti hai, your journey towards success. So we have the Queen of Cups. All right. I mean, the message is really very clear here. And it also shows that you can also be quite clear about your life, what you want to do or what you do not want to do. Because the message is really clear. I feel that you are a very soft and a very compassionate person. You are a person जो दूसरों से बहुत अलग है, जो आपकी softness है वो काफ़ी ज़्यादा unique है. जो भी आपका career है, जो भी आप अपनी life में करोगे, you're going to be very different from other people. You deal with your clients with such softness and उनको ऐसा लगता है जब वो आपसे मिलते हैं कि they don't feel that कि आप उनसे फर्स्ट टाइम मिले हो. दे फील दैट यू आर देयर कंपेनियन सिंस एजेस. सो आई फील कि आप अपनापन दूसरों को बहुत ज़्यादा दिखाते हो. आप अपनापन दिखाते हो, आप क्लोजनेस दिखाते हो, आप सॉफ्टनेस उनको फील कराते हो और अपनापन अगेन फील कराते हो. एंड सॉफ्टनेस आपके अंदर है विच मेक्स यू वेरी यूनिक इन योर सेल्फ. Especially you're going to shine where you deal with other people, where you are in services, you're providing services and you deal with other people will come to you because of the services you provide or etc. But they also come because your hospitality, your way of dealing with the clients is really very nice. Aur kafi apnapan, wo cheez yahan par nazar aa rahi hai. And you can even become a great healer with this Queen of Cups. You can become a great, great healer here as well. Yahan par aapke liye kya messages hain tarot se, aapke success se related, pile number 5. Alright, so we have Page of Cups, again the energy of Cups, emotions. Then we have the Star card, your wishes and desires are getting fulfilled here. Jo aapki wishes or desires hai, jo aap chahte ho aapki life mein ho, wo zarur hoga yahan par, don't worry.
dreams are gonna come true. Then we have the strength card, which shows again that you have the power of compassion. This is strength card again. It's ruled by Leo. It's basically just Leo is then ruled by Sun. So आप दूसरों के मन में दूसरों के लाइफ में क्लैरिटी भी लेकर आते हो एंड हियर इट शोज पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस पोर्ट्रेड विद काइंडनेस योर असर्टिवनेस इज एक्चुअली पोर्ट्रेड विद काइंडनेस इफ यू बिलीव इन समथिंग यू आर नॉट गोना शाउट ऑन अदर पर्सन कि अरे मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ तुम मेरे बिलीव सिस्टम पर कैसे उंगली उठा सकते हो यू आर नॉट दैट पर्सन यू आर वेरी पोलाइट यू आर वेरी काइंड टू अदर पीपल एंड यू आर वेरी असर्टिव एज वेल दैट डज नॉट मीन कि आप अपना पॉइंट ही नहीं रख पाते नो यू आर वेरी असर्टिव एज वेल बट यू आर ऑल्सो वेरी काइंड यू आर वेरी सॉफ्ट कंपैशन दैट ब्रिंग्स अबाउट फॉरगिवनेस Realizing that you are stronger than you knew. It's also about कि जो आपकी power है gentleness की जो kindness की softness की that is making you very different from other people. And here we also have the star card which says have faith the future is bright dream come true positive changes that bring an end to challenging times the light at the end of the tunnel. So again it's about that Have faith first of all, have hope, that's really important. And the star card shows that you also will make your dream come true. Jo bhi aapki wishes, jo bhi aapki desires thi, wo sach mein hogi true. Wo reality mein zaroor convert hogi. Iski star card jo hai aapko ek tarah se promise kar raha hai. Page of Cups jo hai, it says sensitive, open-hearted, inexperienced as well, moody, messages regarding relationship, new emotional experiences, a romantic encounter, social invitations or events, heightened psychic abilities. As I was telling you, when you are dealing with other people, when you're dealing with clients, giving them services, again, jo client relationship hai aapka, wo kaafi zyada achha hai yahan par. You just make them feel so welcome that people actually get attracted towards you because because of your way of greeting them or way of talking to them. You're very soft and they really like you and they want to interact with you. They want to come again and again to you to get that service from you. So you can become an HR, human resource department management mein aap ho sakte ho, or you may have your own business where you have to deal with other people, you're providing services to other people, you're making them welcome, feel welcomed, and I feel that again, this is a very soft and very feminine energy. Even if you're a male watching this reading, you still emit an aura जो कि काफ़ी वेलकमिंग है जो बहुत वार्म है एंड यू अंडरस्टैंड अदर पीपल ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है ऑफकोर्स यहाँ पर मूडी भी आया हुआ है बिकॉज सी वाटर व्हाट इज द फर्स्ट वाटर साइन इट्स द कैंसर साइन कैंसर इज रूल्ड बाय मून हमेशा वैक्सिंग और वेनिंग करता रहता है इट नेवर रिमेन्स द सेम फॉर श्योर एंड स्पेशली बिकॉज कैंसर साइन में वी हैव द नक्षत्र ऑफ अश्लेषा पीपल इफ यू हैव अश्लेषा नक्षत्र विच यू कैन हैव बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी हेयर यू कैन हैव अश्लेषा नक्षत्र एंड अश्लेषा इज द नक्षत्र अबाउट नागास एंड इट्स अ नक्षत्र के जहाँ पर जो है इफ यू आर एन अश्लेषा पर्सन यू विल फील दिस थिंग अगर एक दिन पर आप बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे हो बहुत लथार्जिक फील कर रहे हो तो सक्सेस तो 6000 माइल्स अवे है और जिस दिन आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो उस टाइम उस दिन तो आपके लिए सक्सेस उसी जगह है जहाँ पर आप खड़े हो दैट हैपन्स विद अश्लेषा पीपल अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग यू कैन हैव अश्लेषा और यू मे नॉट हैव अश्लेषा नक्षत्र बट दिस इज द मैसेज फॉर यू दैट ऑफकोर्स यू आर ऑल्सो मूड इन योर वे यू आर बट द वे यू डील विद अदर पीपल is really very nice so your clients really get happy and they feel good when they talk to you and you again solve their issues here so that's very beautiful people really appreciate your kindness yahan par jo hai aapke liye aur kya message hai is ancestors deck se is oracle deck se kya message hai pile number 5 ke liye Alright, so we have Sun card. Enjoy success and happiness. Then we have the Stargazer. Set your sights higher. And then we have the Trader. Exchange energy to create abundance. So again, it's about trading. It's about
यू नो रिलेशनशिप विद अदर पीपल, जब हम ट्रेडिंग करते हैं किसी को, हम अपना सामान बेचते हैं तो हम कस्टमर को जो है अच्छे से कहते हैं कि यू नो यू शुड बाय दिस क्योंकि इसका ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, ये बहुत सुंदर है, बहुत सारी हम बातें कहते हैं राइट, हम अगर हम किसी शॉपकीपर से मिलते हैं, सो दे ऑफकोर्स विल से दिस एंड दे वॉन्ट टू बी पोलाइट विद यू बिकॉज दे वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट, दे आर इन द मार्केट सो दैट पीपल बाय देयर थिंग्स. सो वो कम्युनिकेशन, वो क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है बहुत मैटर करता है. मीठी बोली बहुत मैटर करती है. सो यू कैन बिकम अ ग्रेट ट्रेडर, यू कैन बिकम अ ग्रेट सेल्स पर्सन एज वेल. अरे मैम हम भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है ये. सो आई मीन यू आर अ ग्रेट बिजनेस वुमन और बिजनेस मैन एज वेल बिकॉज योर टोन ऑफ स्पीच और द वे यू स्पीक इज़ वेरी वेरी पोलाइट. इवन वेन यू आर कीपिंग योर पॉइंट यू आर स्टिल वेरी जेंटल, you're still very kind and that is very beautiful and that makes you great salesman, a sales person, and marketing mein aap acche ho, so that can be seen here. So of course you're going to attract abundance then. And sun, it's the card which says yes. Sun is the card which says yes in tarot. So if you had any you know question related to your career ki mujhe ye cheez karni chahiye nahi karni chahiye, is present moment par agar aapke man mein aisi koi you know ऐसा कोई चीज़ है कि शुड आई डू इट और शुड आई नॉट डू इट, सो देन द आंसर इज येस, यू शुड डू दिस थिंग. इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सक्सेस इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू इफ यू डू दिस थिंग. सो इट्स अ येस एज वेल फॉर यू. एंड स्टार गेजर, एंड यहाँ पर जो है वी हैव द स्टार कार्ड, we have the star card and star shows that your you know wishes and desires are going to come true. And the star gazer says set your sights higher. जो बिग पिक्चर है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है. बिग पिक्चर पर ध्यान दो, एक तरह से दूरदृष्टा बनो, सेविंग्स पर भी ध्यान दो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू. बट डेफिनेटली योर विशेज एंड डिजायर्स आर डेफिनेटली गन गेट फुलफिल्ड, दैट्स देअर. यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी पोलाइट, यू आर वेरी सॉफ्ट, तो पब्लिक रिलेशनशिप्स अच्छे हैं यहाँ पर. यू कैन बिकम अ ग्रेट सेल्स मैन, अ ग्रेट सेल्स पर्सन. क्लाइंट्स आपके आपसे खुश रहते हैं. द वे यू स्पीक इज़ वेरी सॉफ्ट, एंड कई लोगों की आवाज़ ही बहुत मीठी और सॉफ्ट होती है. एंड यू आर वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ देम. सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल. सो यहाँ पर जो है और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इस डेक से, क्या मैसेज है पाइल नंबर 5 के लिए यहाँ पर. ऑल राइट, सो वी हैव सैफायर, रीजेनरेट योर बॉडी. सम हाउ इट कैन हैपन दैट यू गो ओवरबोर्ड विद योर वर्क, यू जस्ट गेट ओवरबोर्ड विद योर वर्क एंड you forget your own self, you forget to take care of yourself. So it's really important you take time out for yourself, you take I should say ki aap jo ho apne liye waqt nikalo, because aap dusre logo ko kuch de rahe ho, yahan par kuch na kuch aap de rahe ho unko, aur kahin na kahin jab aap वो चीज़ दे रहे हो तो यू कैन फील अ लिटिल एम्प्टी. ऑफकोर्स जब आप दूसरों को, यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस सो यू आर ऑल्सो गोना गेन हैप्पीनेस, बट यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मेंटल एग्जॉशन भी आपको होगी. एंड समहाउ देर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हेयर. आई फील कि जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, क्योंकि अगेन इफ़ यू आस्क मी एट टाइम्स पर्सनल रीडिंग्स और ये आपके लिए जो मैं यहाँ पर रीडिंग्स बनाती हूँ, तैयार करती हूँ, दिन में मैं कई बार 4-5-6 घंटे कंटिन्यूस बोलती हूँ. एंड ऑफकोर्स आई विल फील एग्जॉस्टेड फॉर श्योर, आई विल. अगेन आई एम स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, अगेन आई एम स्प्रेडिंग होप, बट स्टिल कहीं ना कहीं आई विल फील एग्जॉस्टेड बिकॉज आई एम गिविंग माई एनर्जी इन इट, आई एम टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग. Of course, it will exhaust me. So, आपकी बॉडी जो है, अगेन यू आर ऑल्सो डूइंग सम वर्क विच इज अगेन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, सो यू शुड ऑल्सो रेस्ट एंड रीजुविनेट योर बॉडी. दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड आई रियली अंडरस्टैंड द स्माइल. आई फील दैट इट इज समहाउ रिलेटेड टू मी. आई फील दैट इसका, इस रीडिंग का कुछ पार्ट मैं महसूस करती हूँ. And I feel happy about what I do, and definitely you feel also happy about your job, whatever you do. And I feel the body ko jo hai rest or rejuvenate zarur karna chahiye, that's really important. Don't lose your shine, that's important.
वरना बिकॉज जब हम शाइन लूज करने लगते हैं, थकने लगते हैं, तो हम बर्नड आउट महसूस करते हैं. दिस इज अ वेरी सॉफ्ट एनर्जी एंड वी हैव द सन हेयर विच विल ऑफ कोर्स विल गिव यू लाइट क्लैरिटी, बट एट द सेम टाइम इफ यू गो रियली वेरी क्लोज टू द सन, सन इज गोइंग टू बर्न यू. सो डोंट गेट बर्नड आउट इन दिस थिंग, बर्नड आउट इन पब्लिक सर्विस और कम्युनिकेशन. डोंट बर्नड आउट योर सेल्फ, डोंट बर्न योर सेल्फ. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रेस्ट, रिजुविनेट, लिसन टू योर बॉडीज नीड्स. That's important for you. So, pile number 5, this was the reading for you. And do let me know in the comment section how it resonated with you. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.